स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, हमारे बहुत से रेल यात्री ये जानना चाहें कि सर मैंने काउंटर से टिकट लिया हुआ है और चार्ट बनने के बाद जो मैसेज आता है क्या वो मैसेज से हम सफर कर सकते हैं? क्या हमने काउंटर से टिकट लिया हुआ है बिना टिकट हम सफर कर सकते हैं, मतलब हमारे पास फिजिकल टिकट ना हो तो सफर कर सकते हैं? इसमें टीटी पेनल्टी चार्ज कितना मारेगा और इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है? यात्रा के दौरान हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होने वाली? आज दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानने वाले। फिर सबसे पहले हम जानते हैं आखिर लोगों के मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है। तो फिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस समय तत्काल टिकट बुकिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जो बिजी रूट की ट्रेनें हैं ना ही वो कोई एजेंट सॉफ्टवेयर से निकाल पा रहा है, ना ही मोबाइल से निकाल पा रहा है, ना ही लैपटॉप से निकाल पा रहा है। मतलब दोस्तों लोग ट्राई तो करवा रहे हैं, दुगना पैसा देने को भी तैयार है, तो भी दोस्तों टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जो रेल यात्री उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि टिकट अगर कहीं से मिलना है तो केवल और केवल काउंटर से मिलना है। तो कुछ ऐसे रेल यात्री हैं दोस्तों जो अलग अलग लोकेशन पे, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई बंदा सूरत से जाना चाहता है और सूरत के स्टेशन पे दोस्तों मतलब कि बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां से टिकट ना निकलवा के किसी दूसरे मतलब चार पांच स्टेशन या फिर कोई अलग स्टेट के छोटे स्टेशन से टिकट निकलवा रहा है, मतलब ऐसा सोच रहा है निकलवाने की। फिर उसके मन में डाउट आ रहा है कि आखिर जो रेलवे का रूल्स है वहां पे ये बोलता है कि अगर आप काउंटर से टिकट निकलवाते हो तो फिजिकल आपके पास होना जरूरी है। तो फ्रेंड ऐसे में रेल यात्री के मन में अलग अलग टाइप के विचार आ रहे हैं। तो फ्रेंड हमारे पास कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर अगर हम बिना काउंटर टिकट या फिर मैसेज के थ्रू चार्ज बनने के बाद जो मैसेज आता है क्या हम उससे सफर कर सकते हैं, क्या पेनल्टी यहाँ पे चार्ज है? तो फ्रेंड सबसे मेन फंदा यही है कि लोग अलग अलग स्टेशन से टिकट निकलवा सकते हैं, लेकिन वही है कि उनके मन में डर है, खौफ है कि टीटी अगर पकड़ेगा तो कितना चार्ज लेगा। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे रेलवे का रूल्स बता देता हूँ। रेलवे भी साफ साफ बोलता है कि काउंटर टिकट दोस्तों आपके पास फिजिकली होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी आप ट्रेन के अंदर जर्नी करेंगे अगर किसी बंदे के पास ऑनलाइन टिकट रहेगा तो टिकट का प्रिंट और टीटी ज़्यादातर नहीं मांगेगा, लेकिन अगर किसी का टिकट काउंटर से रहेगा तो उसमें दोस्तों आई टिकट लिखा रहेगा, वो दोस्तों टिकट जरूर मांगेगा, फिजिकल आप अपना टिकट दिखाइए। क्योंकि दोस्तों रेलवे के जो टीटी है उनको भी कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग दी गई है कि काउंटरों से छेड़छाड़ी हो रही है, मतलब जो काउंटर टिकट है उसको ऑनलाइन ही टिकट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, इसलिए आप ये सभी चीज़ें ध्यान रखें। तो दोस्तों सूरत बॉय कृष्णा की तरफ से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मतलब ऐसे फ्रॉडिंग से बचे। काउंटर टिकट का मतलब यही है दोस्तों, फिजिकल आप साथ में लेके चले। अब दोस्तों लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि आखिर पेनल्टी चार्ज कितना है। तो फ्रेंड पेनल्टी चार्ज एक्चुअली में यहाँ पे रियल में कुछ भी नहीं पता है, दो तीन यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे जानकारी दी कि सर पेनल्टी चार्ज यहाँ पे टीटी 250, 300, 400 रुपए नहीं ले रहे, उनका कहना है 1200 से 1500 रुपए सीधा सीधा पेनल्टी चार्ज यहाँ पे वसूला जा रहा है। तो फ्रेंड ऐसी रेल यात्री जो सोच रहे हैं कि केवल 1200, 250, 300 रुपए पेनल्टी चार्ज में चले जाएंगे तो दोस्तों उनकी गलत सहमी है। हाँ दोस्तों कई बार क्या होता है कुछ टीटी ऐसे होते हैं जो दरिया दिल होते हैं, वो माहौल समझ जाते हैं, 200-300 रुपए जेब में डाल के चले जाते हैं, लेकिन कुछ टीटी ऐसे होते हैं दोस्तों जो रूल्स आपको बताएंगे कि रेलवे का रूल्स यहाँ पे क्या कहता है तो वहाँ पे दोस्तों आपसे पेनल्टी चार्ज ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरह से इलीगल है कि काउंटर टिकट का मतलब आपके पास फिजिकल काउंटर टिकट होना चाहिए। और काउंटर टिकट दोस्तों जैसे कोई बहुत से बंदे काउंटर टिकट बुक करवाते हैं कहीं से जो एजेंट लोग रहते हैं, उसके बाद उसको ई टिकट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जो टीटी के पास चार्ट रहता है उसको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि काउंटर से टिकट बुक किया हुआ है। इसलिए दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुक जाइए, लेकिन ऐसे मतलब जो इलीगल काम है इलीगल टिकट से आप सफ़र करने से बचे। क्योंकि दोस्तों यहाँ एक्चुअल में कोई प्राइस नहीं पता चल पाया कितना लिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो अलग अलग यूजर्स थे वो बता रहे हैं कि सर एसी का प्राइस 1700 था तो मेरे से 3500 रुपये लिया गया है। अलग अलग दोस्तों स्लीपर का कोई 1500 रुपये बता रहा है जिसका 600 था। तो फ्रेंड ऐसे अलग अलग प्राइस लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों कुछ है कुछ रेल यात्री ऐसे बोल रहे हैं कि सर हम तो चले गए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फ्रेंड वो चले गए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसका भी एक रीज़न है, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और क्राउड में दोस्तों आपने देखा होगा टीटी आते नहीं। दोस्तों आपको वही टीटी पकड़ सकता है जिसके पास चार्ट हो, जिसके पास चार्ट नहीं रहेगा मतलब दोस्तों जो जिस टीटी की ड्यूटी ट्रेन के अंदर रहेगी वही टीटी आपको पकड़ पाएगा, बाकी जो अलग अलग स्टेशन या फिर बीच में चढ़ते हैं उनको तो नहीं पता चल पाएगा कि काउंटर से बुक हुआ है, कहाँ बुक हुआ है, कैसा एडिटिंग हुआ, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई सीट नहीं रहेगी जिससे वो पता कर सके। तो दोस्तों कई बार क्या होता है क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि टीटी लोग अंदर आते भी नहीं है, और आते हैं तो जल्दी जल्दी में खाली पूछेंगे आपका कितना सीट नंबर है, सर 2021 है, बस टिक मार के वो चले जाएंगे या फिर वो देखेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों मोस्टली ज़्यादातर चांसेस ये रहता है कि जो काउंटर टिकट रहता है उसको 100% टीटी लोग चेक करते हैं, कई बार कुछ लोग बच के चले जाते हैं, उसका यही सबसे बड़ा रीज़न है कि टीटी के संपर्क में नहीं आते, इसलिए दोस्तों वो बच जाते हैं।
और फिर फाइन्स का कुछ एक्चुअल में यहाँ पे नहीं बताया गया है, कोई ऑफिशियल अलाउंस मतलब नहीं किया गया है कि दोस्तों ऑफिशियल अलाउंस इसलिए नहीं किया गया क्योंकि दोस्तों रेलवे के रूल्स में नहीं आता, जो रेलवे के रूल्स में आता रेलवे उसकी ही लिस्ट बताती, उसकी ही जानकारी देती है कि दोस्तों पूरी तरह से इलीगल है। हालांकि पेनल्टी चार्ज आप दे के जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जेल रोल की बात करें तो जेल रोल का ऐसे यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप भी फंसेंगे, जिसके थ्रू आपने टिकट करवाया वो भी फंसेगा, मतलब अलग अलग तरीके से दोस्तों यहाँ पे फंस सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक छोटी सी अपडेट देने वाला था, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बॉय के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।